अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर रहा हूँ। ये उबले हुए कद्दू शरीफ के टुकड़े हैं। इसमें सबसे बड़ा कमाल ये है, सबसे बड़ी खूबी के प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू शरीफ पसंद फरमाते थे और अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी बरकतें रखी हैं। इससे गम दूर होता है, तो जिगर जो है ना, लीवर, इसके अमराज भी दूर करता है, पेट की इसलाह करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हजमा, इसमें भी मुफीद है ये। अच्छा, कमज़ोरी दूर करता है, और भी इसकी बड़ी बरकतें हैं। मुख्तलिफ अमराज में, कई अमराज हैं जिसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा करता है। पेशाब की बीमारियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफीद है। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर किसी का बढ़ गया हो ना, डॉक्टर तो ज़ाहिर का ऑपरेशन का बोलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा है कि कद्दू शरीफ अगर आप खाते रहें ना, खाते रहें खाते रहें, अल्लाह करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपका नॉर्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकतें रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कद्दू शरीफ भी स्टीम के ज़रिए उबला हुआ है, और इसके बाद नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं, अल्लाह ने जो दिया है वो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा करेगा। अल्लाह हम सबको बरकतें दे और हमें अल्लाह पाक अच्छी सेहत दे ताकि उसकी हम अच्छी तरह इबादत कर सकें। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, हफ्ताबार इज्तिमा में हाज़िरी दिया करें, मदनी काफिलों को मुसाफिर बना करें और मदनी मुज़ाकरे में भी मदनी चैनल के जरिए शरीक हों, मदनी चैनल के सिलसिले देखा करें। मदनी चैनल जो है ना, सिर्फ ये नेकी की दावत देता है, दीन की तबलीग करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।